यहाँ पर तो बहुत हमें डर था, हमने पहले ऑलरेडी एप्लीकेशन दी हुई थी 10 दिन पहले कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या किसी टाइम की यहाँ करंट है ना, यहाँ तो फट सकता है कभी, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ पर बिजली डिपार्टमेंट में हम गए तो ऑलरेडी हम वहाँ पर जो जिसके ये नाम पर मकान है उसको थोड़ा सा वो अपाहिज है, वो नहीं चढ़ सकती थी ऊपर, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला नहीं आपको चढ़ना पड़ेगा। वहां पर वो चढ़कर वहां गिर गई, तब भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वहां पर ये है कि भगवान का शुक्र वहां उस टाइम कोई नहीं था, अगर उस टाइम कोई होते घर पर तो सब वहां मर जाते। ये यहाँ पर जो पुल के ऊपर जो काम चल रहा है ना, उसके वजह से ना इन्होंने वहां पर तो तारे तो अंडरग्राउंड की है, मगर यहाँ पर ये तारे नीचे आ गई है। ये 10 फुट ऊंचे थी मगर ये 10 फुट नीचे आ गई है। मतलब परसों पता कुछ काम चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा कि ये तारे ना बिल्कुल मकान के ऊपर टच करने लगी तो पूरा मकान पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया। पूरा एसी, गीजर, एलईडी लैंप, फैन, 7-10-12 फैन, हमारे किराएदार थे उनका भी नुकसान हो गया, बहुत सारा नुकसान हो गया। हम बोलते हमें मुआवजा दो, जो हमें वहां पर इतना नुकसान हो गया। तो एक तो वहां पर वो उन्होंने तो तारे किया, मगर फिर भी हमें डर है, फिर भी डर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, गर्मी भी नीचे आती है तार। नहीं पता, उस दिन मैं घर में नहीं थी, मैं गई थी, मेरे को 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले करीबन मेरे तार नीचे थोड़े आने लगे ना, मुझे लगा था कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मैं बिजली दफ्तर में ये भगवती नगर में ही है, मैं गई उनके पास, मैंने बोला एप्लीकेशन पकड़ो, मैं नीचे इसे नहीं भी हैंडीकैप्ड हूँ, मैं ऊपर नहीं आ सकती, मगर उन्हें माना ने बोला ये खुद आना पड़ता ऊपर। फिर मैं ऊपर चढ़ी तो उनको मैं एप्लीकेशन दे दी, मैंने बोला रसीद दो, तो बोला हमें मारा कर दी रसीद नहीं देती इसका। मैंने वो रसीद के मगर क्या बोला, भगवती नगर में महल में ही तो भरोसा नहीं है, मैंने वो तो भरोसा आज भरोसे पर काम नहीं चलता, मगर ये तार है ऊपर इसको हो जाए ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि तार नीचे है, पुल बन गया है, यहाँ बोल रहा हुआ वो पुल के साथ खड़ा खोद दे, उसकी वजह से पुल नीचे आई है, तार ही नीचे आई है। मुझे पता था कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि पहले भी 10-20 दिन पहले इधर एक कश्मीरी लग गया, उसको ICU में इसी से उसको सट लगी, वो रोज भाई उसको ऊपर होती थी तार, उसको मैं पता बेचारे को कि नीचे आई है, वो कपड़े जानने लगे तो उसको बाल लगे तो ICU में भरती है, आश्रम में भी बात किया। मैंने फिर दोबारा इनको एप्लीकेशन दे दी, मैं खुद गई थी, मैं उधर से फिर दोबारा जब गई मैं उधर ही गिर गई है, मैंने को मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती, आपने एक बार देखा बोला कोई बंदा आसान था चढ़ना पड़ता, दो बंदों ने मेरे को उन्होंने बिजली वाले ने मदद किया ऊपर चढ़ाया, और उधर से नीचे से मैं आके 2-3 पाँव मेरे को पता नहीं उनको बैलेंस बिगड़ गया, मेरी बिगड़ गई, मैं गिर गई, मेरे को ये मेरी है हैंडीकैप नंबर ये, फिर यहाँ से निकल आया पूरा। फिर मैंने तुम बोलेंगे इन्होंने बोला कोई बात नहीं मार्क हमने कर दी, हम आप ये ही भेजेंगे, उन्होंने कुछ भेजा ही नहीं। फिर मैंने ताला बंद करके रखा, चाबी घुमा दी, तो हमारे घर में ये रहता है लड़का रहता है ऊपर, मैंने वो क्या पता कभी जाए कुछ होती, मैंने ताला ही बंद करी, चाबी फेंक दी, मैंने वो चाबी नहीं मेरे पास है। फिर मैं मेरे को घर पर इधर कोई नहीं था, बहू है मायके गई हुई है, मैं क्या करती था, फिर मैं लड़की के पास गई, सारा नुकसान पूरा ब्लास्ट हो गया नहीं, क्योंकि उधर ज्यादा नीचे आई है, उस दिन बारिश भी पड़ रही थी, हवा हुआ तो होता वहाँ था ही 2 दिन पूरा हवा था, तो उसके साथ पता नहीं समझने लगा ये कैसे ब्लास्ट हो गए, ट्रांसफार्मर का उन्होंने उधर से कुछ गड़बड़ किया, ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट हो गया, उसके बारे में वायरस आ गई जिसमें ये हमारे मकान में आया, ये तार में आया, तो मेरे को पता यहाँ बम धमा का धुआं धुआं सारा निकला, मैंने इस लड़के ने फोन किया इधर आग लग गई, और मेरे को टांग टूटी कि मैं कैसे आ जाती, फिर मुझे 2 आदमी ने उधर से देखा इधर लाया, उन्होंने मेरे को उन्होंने उधर से ये मेरे को लाया यहाँ से कुछ यहाँ आई मीडिया वाला आई, फिर मैं आई मुझे 2 आदमी ने पुलिस वुलिस आया था, मैंने उनको बोला था अब तक बिजली नहीं छोड़ना, जब तक ये तार ऊपर या उठा थोड़ा ऊपर करो। अब आपकी जो है बिजली विभाग से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड है? एक डिमांड हमारी जो इतना नुकसान हो, मैं हैंडीकैप, मेरा घर वाला नहीं है, मेरा लड़का प्राइवेट काम करता, कोरियर में काम करता है, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरे को अपने अभी तो आपने खुद देखा अंश पार्ट, मेरे को एक तो इसका मदद चाहिए, और ये तार ऊपर इन्होंने फिर थोड़ी बहुत देर के बाद में जब मीडिया वाले बहुत आए, उन्होंने आए ये इन्होंने आंखें चुराई थी मगर मैंने छोड़े नहीं, आए 2 मिनट के लिए, भाई इन्होंने किया तार तो एक साइड किया दूसरे साइड नहीं किया, मैंने बोला अगर कुछ इधर से हो गया क्योंकि बिजली मैं एप्लीकेशन लिख के रखूँ आत्मदा हो जाएगा, फंसे तुम लोग मैं नहीं फंसाऊंगी, क्योंकि बाकी दूर और कुछ मैं फंसाऊंगी तार तो हमारे क्योंकि और ऊपर उठा, और ये 35 साल में मकान को हो गया, अगर हम ये नीचे होती ना हम के बेवकूफ थे उधर मकान बना के, उतने बेवकूफ मत अपनी जान का कोई खेलता है,
ये 20 फुट ऊपर से थी, जब ये पुल बन गए तब से नीचे आ रही, रोज ये दो दो फुट आ रही है। परसों बारिश ज्यादा थी उसकी वजह से ये ज्यादा ही नीचे आई, और क्योंकि वहाँ गीली मिट्टी हो गई और उन्होंने अपने कंपनी वालों ने काम कर दिया, तो बिजली वाले देखे नहीं। मैंने उनको बोला, पहले भी अलर्ट किया मैंने उनको, क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा, इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं ली। अब इसके साथ साथ और उनको पूरा महले को सत्यानाश हो, 3-4 घरों को ज्यादा हुआ, मंदिर में हुआ बहुत दुख से, मेरे बड़ा दुख है। मंदिर में 4-5 पंखे सड़ गए, उनको गाय बच गई, गाय के शेड जल गया, गाय जिसमें रहती है वो सड़ गया, और यहाँ पर वहाँ पर LED खत्म हो गया, TV फ्रिज उनको खत्म हो गया, मैंने इन्वर्टर खुद लगाया तो उधर वो जल गया, और बाकी एक और घर का भी बहुत ज्यादा 2 घर को ज्यादा नुकसान, एक का AC, दूसरे का LED, 3-4, एक का फ्रिज, ये हो गया जहाँ मेरे और मंदिर 3 घर को ज्यादा नुकसान हो। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इन तारों की तो बहुत लोगों को दिक्कत है और बहुत देर से दिक्कत है, क्योंकि ये बिल्कुल अमरनाथ यात्री निवास के नजदीक है, जहां हर साल लाखों की तादाद में देश विदेश से और हमारे लोकल श्रद्धालु जाते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। उस टाइम भी 2-3 बार ये तार टूटी, तो भोले शंकर का शुक्र है कि कोई जानी माल नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हर साल इस तार की वजह से कोई ना कोई नुकसान होता है। जैसे ही अब 2-3 दिन के पहले जो अर्थिंग हो गई लोगों के घरों में, तो आपको मालूम है कि इन दिनों में फ्रिज तो आम चालू है, फ्रिज पंखे और लोगों का और बिजली का बहुत सा सामान जो जल के राख हो गया। मैं बिजली विभाग वालों से अप्रोच की, लेकिन उनके कान तले जू तक नहीं देंगी, लोगों में बहुत रोष है, क्योंकि 6 महीने साल के बाद जहां पर कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है इन तारों की वजह से, जिन जो आसपास रहने वाले लोग हैं इनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। उनकी तरफ से हमें सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे वो कोई भी कार्रवाई नहीं करते। अभी भी आपने देख लेना आप कि वो तारे कैसे लटक रही हैं, कभी भी वो तारे जैसे पहले टूटी हैं, भगवान ना करे अब टूटे, अब तो इतनी तरह रश है क्योंकि 4th ब्रिज बनने के बाद जहां हजारों की तादाद में लोग इस रोड से गुजरते हैं, अगर इन दिनों में कहीं वो तार टूट गई तो बहुत बड़ा जानी माल नुकसान हो सकता है और भी बहुत चीज़ों का नुकसान हो सकता है। मैं आपके माध्यम से विभाग को जो कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है इसको जगाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से ये जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं ये बहुत ही मुसीबत में है, मेहरबानी करके कुंभकर्णी नींद से जागिए, इन लोगों को जो मुश्किलें आ रही है उससे इसको निजात दिलाइए।